जैसे रोल्स रॉयस में सुसाइड डोर होते हैं ना, मेरे को लगता है इधर सुसाइड बूट है। तो इस टाइम हम लोग इसे कन्वर्ट करके चला रहे हैं, तो आप जरा रिएक्शन कैप्चर करो। और इसके अंदर ऑप्शन मिलता है अपने को, क्या मिलता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ सनरूफ के मजे मिले, तो इतना भी पोर्शन आप खोल के इसे ड्राइव कर सकते हैं। जब ये स्टार्ट होगी तब आप सुनना, मैं माइक थोड़ा नजदीक ले जाता हूँ। सिर्फ 16,500 ड्रिवन है, चलने में भी बहुत अच्छी है। ये 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि कितनी माइलेज दे देगा? माइलेज समवेयर अराउंड कोई अच्छी खासी माइलेज दे देता है, 11-12 की माइलेज इसकी सिटी में मिल जाती है। आप इसमें हर एक चीज लोडिंग करवा सकते हो, हर एक चीज। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, करके दिखाऊं? ना यो, पर यार बोल दो। ऐसे अच्छी लग रही है या वैसे? वैसे अच्छी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मराठ के ब्रांड न्यू एपिसोड में और ब्रांड न्यू वीडियो में। लोगों की ना एक चाह होती है कि मेरे पास सेडान गाड़ी हो, मेरे पास हैचबैक गाड़ी हो, मेरे पास स्पोर्ट्स कार हो, लोगों की ड्रीम कार्स होती हैं। लेकिन एक गाड़ी ऐसी होती है या एक कैटेगरी ऐसी होती है जो सबकी मतलब फेवरेट होती है, उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल। अब जब भी हम कन्वर्टेबल गाड़ियों की बात करते हैं तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ जहन में आती हैं, लेकिन एक गाड़ी जो सबसे टॉप पर आती है उस गाड़ी को हम कहते हैं मिनी कूपर। शिवम भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, इस गाड़ी को देख के तो और बढ़िया हो गया हूँ। स्पेशली ये सीजन है दोस्तों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने इन गाड़ियों के ऐश हैं, और जिसके पास कैश है वही इस गाड़ी का मालिक है भाई। क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है भैया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल 3 डोर, पेट्रोल के अंदर ये कार है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। कलर इसका आई कैचिंग, आपके सामने कलर है, बिल्कुल यूनिक कलर है विद कन्वर्टेबल। अब एक चीज ये देखने वाली है इस गाड़ी के अंदर, कहते हैं कि ये कस्टमाइजेशन पे बिल्कुल डिपेंडेंट रहती है गाड़ी, मतलब जितना आप इस गाड़ी को लोड करवा सकते हो उतना आप लोड करवा सकते हो। हालांकि इस गाड़ी में कितनी लोडिंग है ये हम जानेंगे, वैसे इस बात पे कितनी सच्चाई है कि कितना लोड कर सकते हैं हम इसे? आप इसमें हर एक चीज लोडिंग करवा सकते हो, हर एक चीज। आप बैक कैमरा लोडिंग करवा सकते हो, अलॉय व्हील्स अपने तरीके के करवा सकते हो, जैसे मर्जी आप इसको लोडिंग करवा सकते हो कार के अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से शिवम भैया को समझाएंगे हमें। प्रॉपर आई कैचिंग हेडलैम्प्स होते हैं इसके, गोल शेप में आते हैं इसके अंदर, ग्रिल होती है बिल्कुल अट्रैक्टिव ग्रिल, एस लोगो मिल जाता है, मिनी कूपर की बैजिंग मिलती है आगे। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कैसे अपग्रेडेड अलॉय लगे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि बताया कि कस्टमाइजेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई इंसान नई गाड़ी लेता है तो अपने हिसाब से लोड कराता है, ये एक प्री ओन्ड है, तो ये जितनी लोड कस्टमर ने करवाई थी वो क्या क्या लोडिंग थी ये हम जरूर बताएंगे। तो क्या क्या है जी इसके अंदर? सर लोडिंग इसके अंदर जो लगी हुई है, बैक कैमरा इसमें लोडिंग है, प्लस इसके अंदर आपको ट्रे देख रहे हो गया पीछे की वाली, ये कुछ यूनिक चीज है, ये बिल्कुल यूनिक चीज है। ये कन्वर्ट आप कर लेते हैं, आप कुछ सामान पड़ा हुआ है उसको कवर करने के लिए होती है सर ये। ठीक है ठीक है, कन्वर्ट करके चला रहे हो आप, कोई देखने वाले आपका सामान क्या पड़ा हुआ है, कोई लेके ना चला जाए, उसके लिए ये ट्रे होती है। आप देखते हो, वैसे अगर मैं इस ट्रे को अगर आपको आज निकाल के दूंगा, वैसे मैंने आपको आज तक मिनी कूपर जितनी दिखाई है ये ट्रे कभी नहीं दिखाई होगी, तो ये पहली बार है। उस ट्रे को भी खोल के दिखाऊंगा, एक बार पीछे से इसकी जो टेल लैंप्स है वो देख लेते हैं। इन टेल लैंप्स को भी कुछ कहते हैं यूनियन जैक टेल लैंप्स। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यूनियन जैक टेल लैंप्स होते हैं ये, बहुत आई कैचिंग टेल लैंप्स होते हैं, बिल्कुल यूनिक शेप होती है इनका। अब इसमें कई बार ये होता है कि इंसान समझता है कि जो बूट है वो हमेशा ऐसे ही खुलेगा, मतलब नीचे से ही खुलेगा, ज्यादातर गाड़ियों में प्रोसीजर की भाई ऐसे ही खुलेगा, जैसे रोल्स रॉयस में सुसाइड डोर होते हैं ना, मेरे को लगता है इधर सुसाइड बूट है। ये देख लीजिए आप, ऐसे
इनफ स्पेस मिलती है बूट के अंदर, ऐसा भी नहीं है कि छोटी गाड़ी है तो आपको स्पेस नहीं मिल रहा, एक बैग दो बैग आराम से आ जाएंगे आप। सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल कार है ये, हार्ड टॉप नहीं है, तो जो सॉफ्ट टॉप है इसका वो ये रहा आपके सामने ये। अब शिवम भैया एक बार इसे स्टार्ट करेंगे गाड़ी को और एक बार ना इसका थंप सुनते हैं। ये वैसे JCW नहीं है बट फिर भी ये काफी अच्छी मतलब साउंड प्रोड्यूस करती है, जब ये स्टार्ट होगी तब आप सुनना, मैं माइक थोड़ा नजदीक ले जाता हूँ तो एक बार आप सुनिए। ये एक बहुत ही सूदिंग साउंड है इसके अंदर, देखो अभी अब कैसे ये देखो किस तरीके की आवाज़ आ रही है, देखो तो एक फील आता है। अभी आप मेरे ख्याल जल्दी निकल गए आप हैं, कन्वर्ट करके तो दिखानी है, फिर ड्राइव पे भी चलेंगे। पेट्रोल इंजन है ये कार, मतलब 99.9% जो कन्वर्टेबल कार्स होती हैं वो पेट्रोल इंजन में ही आती हैं। अलॉय व्हील्स देखते हैं और कन्वर्ट होते हुए देख लो आप, तो ये देख लीजिए अब ये साइड से प्रोफाइल देख लो, अब गाड़ी देख लो कैसी लग रही है। और इसके अंदर ऑप्शन मिलता है अपने को, क्या मिलता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ सनरूफ के मज़े मिले तो इतना भी पोर्शन आप खोल के इसे ड्राइव कर सकते हैं, देख लीजिए राइट, ये सनरूफ बन जाती है आपकी एक तरीके से। हाँ। और जब आपका वेदर अच्छा हो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप पूरी, ठीक है। अब एक बार इंटीरियर की तरफ रोशनी डालते हैं, इंटीरियर की तरफ से कुछ समझाएं क्या क्या है इसके अंदर और माइलेज भी बता दें गाड़ी की। अंदर से भैया हम देख सकते हैं, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं कार के अंदर, क्या क्या मोड है जी। मोड इसके अंदर आपको एक तो स्पोर्ट मिल जाता है, एक आपको मिड मिल जाता है और इसके अंदर ग्रीन मिल जाता है, मतलब जिस तरीके से मोड चेंज करते रहेंगे आपकी इल्यूमिनेटिंग लाइट्स भी चेंज होती रहेंगी। डैशबोर्ड आप देखोगे इल्यूमिनेटिंग लाइटिंग के साथ में आता है, राइट, एम्बियंट लाइटिंग लगी हुई है पूरी कार के अंदर। देखो इसका जो मजा है ना, देखो इसका मजा, एक तो चलने में भी बहुत अच्छी है, ये 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि कितनी माइलेज दे देगा। माइलेज समवेयर आपको ये अच्छी खासी माइलेज दे देता है, 11-12 की माइलेज इसकी सिटी में मिल जाती है बहुत आराम से। तो एक बार माइलेज निकालने चले, एक बार ड्राइव पे, बिल्कुल ड्राइव पे चलते हैं, आओ ड्राइव पे चलते हैं इसकी। तो इस टाइम हम लोग इसे कन्वर्ट करके चला रहे हैं तो आप जरा रिएक्शन कैप्चर करो पीछे साइड में आगे भैया मुड़ मुड़ के देख रहे हैं हम कार को। और वैसे तो हमारी गाड़ी है भी इतनी सुंदर कि उसे ना चाह के भी देखने वाला देखेगा। क्या क्या अच्छा लग रहा है, लुक तो मस्त, कलर अच्छा लग रहा है, तो कलर अच्छा लग रहा है बिल्कुल ठीक है। और कन्वर्टेबल अच्छी नहीं लग रही, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, भी ठीक कन्वर्ट हुई है वो अच्छी नहीं लग रही। ये पता कैसे कैसे हो करके दिखाऊं ना, यो यार खुल गई हूं, अच्छा करके दिखाऊं एक बार, चलो ये देखो हो गया, हां तो हो गया ये। ऐसे अच्छी लग रही है या वैसे, वैसे अच्छी लग रही है, वैसे अच्छी लग रही है। तो हमने आगे वाली सीट पे बैठ के आपको ये तो दिखा दिया कि भैया गाड़ी चलने में कैसे है। अब हमारे दोस्त भी तो होंगे जो हमारे साथ ट्रैवल करेंगे, हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, बच्चे होंगे, कितनी प्रैक्टिकल हैं ये पीछे वाली सीट्स, लेट्स सी दिस। चलो जी अब इसके अंदर बैठते हैं, कहते हैं कंफर्ट के मामले में थोड़ा सा रिक्लाइन नहीं हो सकती ये सीट, तो आपको स्ट्रेट बैठना पड़ेगा इसके अंदर। तो अगर हम इसे ऐसे कर दें तो ये है जी, अब आप स्पेस है, मेरा लेग रूम काफी अच्छा है अभी भी लेग रूम का, अभी हम कन्वर्ट कर देंगे इसको, तुम्हारा हेड रूम नहीं लगेगा। हाँ मतलब हेड रूम मतलब इतना नहीं लगेगा, इनफ है। हाँ टच नहीं होगा जी, अच्छा मिलता है इसमें पीछे। तो देखो इस पे निकलने का तरीका, वैसे दोनों ही सीट से आप लोग निकल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहते हैं कि आप इस साइड से निकलिए, तो ये हम निकल गए। निकल के अब सीधा सीधा मुद्दे की बात करेंगे जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है इसका प्राइस, कि क्या प्राइस है जी इसका और क्या डिटेल है और कितने की है ये ब्यूटीफुल कार जो खड़ी है एट ऑटो बेस्ट इम्पीरियो मेरे यार। और लेट्स सी कि भाई क्या डिटेल बताते हैं, भाई बताइए। बिल्कुल ब्रांड न्यू कार आज हमने कवर करी है, 20 मैन्युफैक्चरिंग 21 रजिस्टर्ड है ये कार, सिर्फ 16,500 ड्रिवन है। अगर हम इसके इंजन स्पेक्स की बात करें, 2 लीटर इंजन आता है इसका, 190 BHP की पावर ये प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसकी आस्किंग की बात करें, आस्किंग जो है इसकी 48.75 की आस्किंग है कन्वर्टेबल, 48,75,000 यानी बोले तो 48,75,000 आस्किंग प्राइस है, इट्स अ नेगोशिएबल प्राइस। कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको सर, आप हमारे शोरूम
शोरूम पे भी आप विजिट कर सकते हैं जो दिल्ली में है रजौरी गार्डन में। हाँ जी, अदरवाइज आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 8885886 पे। ठीक है जी, बाकी आप सोशल मीडिया पे भी इनके जाके चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको रेगुलरली इनकी गाड़ियाँ अपडेटेड होते हुए दिखती रहती हैं और हम लोग आपके लिए ऑटो बेस्ट इंपीरियो की गाड़ियाँ कवर करते ही रहते हैं। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी करें कवर, जाइएगा वेबसाइट पे देखिएगा और हमें कॉमेंट्स में बताइएगा और कैसी लगी ये वीडियो हमें ये भी बताइएगा और हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।